थोड़ा ब्रॉड ब्रीफ मैं करना चाहूँगा जिस पर जिन आंकड़ों पर मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं में 50 साल का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन भारत सरकार से लिया था। उस स्कीम का नाम था स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू कैपिटल स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022 एंड 2023। आपको याद होगा कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने अपने बजट भाषण में सभी राज्यों को 1 करोड़ कैपिटल असिस्टेंस के रूप में ऋण देने की घोषणा की थी और उसी के आलोक में बिहार को 8,046 करोड़ का अलोकेशन या क्रमांकन हुआ था। 8,046 करोड़ का उस मद में अभी तक हम लोग को पहली किस्त के रूप में 4,029 करोड़ विमुक्त हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं स्वीकृत हैं और जो रिलीजेस हुए हैं मैं विभाग वार पढ़ देता हूं। एनर्जी ऊर्जा विभाग जो वर्तमान में जो संचालित योजनाएं हैं 8,043 करोड़ विमुक्त हुए हैं ऊर्जा विभाग के। पथ निर्माण विभाग के लिए 929 करोड़। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 389 करोड़। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 190। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 706। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 234। और उद्योग विभाग के लिए विशेषकर जिसके बारे में मैं विस्तृत से बताऊंगा, इसमें जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए 2 किस्तों में आया है। 502 करोड़ 1 किस्त में और 232 करोड़ 1 किस्त में, कुल मिला के 735 करोड़ उद्योग विभाग को मिला है। जहाँ तक एनर्जी डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, ये सारी जो वर्तमान में चालू योजनाएं हैं जो बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दी थी और वर्तमान में संचालित हैं, उनके वित्त पोषण के लिए यह राशि इस्तेमाल होगी। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के, बहुत सारे हमारे संवेदक के पेमेंट्स रुके हुए थे, अब ये जो राशि है इससे अब उनका भुगतान हो जाएगा। तो इसी के लिए आकस्मिकता निधि से, इसका बजट प्रावधान नहीं था क्योंकि बजट में ये प्रोविजन नहीं था, ये घोषणा बजट बनने के बाद हुई थी, इसलिए आकस्मिकता निधि से यह राशि का प्रावधान किया गया है। जहाँ तक उद्योग विभाग का है उसमें नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसके बारे में विस्तृत में बताऊंगा। तो आज जो कैबिनेट है, आज मंत्रिपरिषद ने करीब 3,474 करोड़ का BCF बिहार आकस्मिकता मद से निकासी की स्वीकृति दी है, जिसमें पथ निर्माण में 924.13 करोड़, उद्योग विभाग में 502.93 करोड़ पार्ट टू का, स्वास्थ्य विभाग में 706.94, ऊर्जा विभाग में 484 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 389.292, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 234.77 करोड़ और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग जो वर्तमान में आपदा में राशि विमुक्त की जा रही है वो घट गई थी, उसमें 130 करोड़। वित्त विभाग को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है उसमें राशि घट गई थी तो 200 करोड़ और उद्योग विभाग का पार्ट वन जो लोन है 232 करोड़ 93 लाख। तो 3,474.99420 का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। तो ये एक बहुत, मैंने ये समेकित कर दिया है, आपको हर कैबिनेट नोट में अलग अलग मिलेगा लेकिन लिखने के लिए आपको होगा कि कम से कम ये राशि बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति दी है जिसमें से विभिन्न योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध होगी। तो मैं संक्षेप में अब मैं कैबिनेट नोट में जाऊंगा, इससे संबंधित कैबिनेट नोट है। पहला है खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में, आपको पता होगा रबी विपणन मौसम 2023-24 में, जो अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य सहकारिता बैंक और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं
ये 6,000 करोड़ लोन लेने की स्वीकृति दी गई। आपको याद होगा कि हम प्रिक्योरमेंट आज के दिन में राज्य में शुरू हो गया है और प्रिक्योरमेंट के लिए राशि की आवश्यकता होती है, तो प्रिक्योरमेंट के लिए 6,000 करोड़ की राशि ऋण के रूप में विभिन्न संस्थाओं से लेने की का निर्णय लिया गया और इसके लिए राज्य सरकार ने गारंटी दी है। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडा है सहकारिता विभाग का। ये जो हमारे खरीफ मौसम में जो फसल का विपणन है और रबी मौसम के विपणन का। दूसरा ये है उद्योग विभाग का, जैसे मैंने कहा वित्तीय वर्ष में जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए 465.86 करोड़ का आकस्मिक निधि से ये निकासी के लिए स्वीकृति दी है और इसमें करीब 17 योजनाएं की स्वीकृति दी है। इसमें 17 योजना है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास फतुहा का है, समस्तीपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, इसमें मुरारपुर दागोदरपुर मुजफ्फरपुर का है, औद्योगिक क्षेत्र विकास बरियारपुर मुजफ्फरपुर का है, पानापुर मुजफ्फरपुर का है, विशनपुर मुजफ्फरपुर का है, महावल मुजफ्फरपुर का है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हाजीपुर वैशाली इंडस्ट्रियल एरिया का है, औद्योगिक विकास केंद्र मरंगा का है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास गुरारू का है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास गया का है, औद्योगिक क्षेत्र विकास दरभंगा में उसका है, नवानगर बक्सर का है और आईटी इंक्यूबेशन सेंटर पटना का है पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में, और बीएसएफसी भवन बिहार बीएसएफसी का जो पटना में भवन है उसमें स्टार्टअप हब बन रहा है, स्टार्टअप व्यापार केंद्र स्टार्टअप हब बन रहा है और बड़ी राशि है उसमें 29,38,00,000 की राशि है, बहुत बड़ा मेजर स्टार्टअप हब बन रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉम्प्लेक्स पटना में 5,47,00,000 का है और पूर्णिया मुजफ्फरपुर में खादी मॉल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारे राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 465.86 करोड़ आकस्मिकता निधि से इसको राशि मिली है। औद्योगिक क्षेत्रों का फिर पुनः विकास 502.93 करोड़ का, ये फिर से इसी 50 साल वाले लोन कंपोनेंट में है और इसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास का है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना का है विकास, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र पटना का विकास है, इसमें भागलपुर बरारी भागलपुर का विकास है, हाजीपुर वैशाली औद्योगिक क्षेत्र इसका विकास है, कुमारबाग पश्चिम चंपारण औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, बीटा फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास है। ये है 23 है ना, 23 होगा, ये 21 या 22 में होगा, देखिएगा ना आप इधर सुनिए, अब मतलब आप इधर ध्यान दीजिए क्योंकि मैं समेकित रूप से समेकित कर दिया मैं। सकरी में है, ये डिटेल उसमें नहीं है, आप उसको डिटेल नहीं, मैं डिटेल पढ़ रहा हूँ। सिवान औद्योगिक क्षेत्र का है, न्यू सिवान हतुआ लोहट बेगूसराय, फिर भूअर्जन का है और नगर लॉजिस्टिक विकास कार्य का है और पीएम गतिशील डाटा सेंटर का है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र के विकास का है जिसमें उसके बाउंड्री हैं, उसके रोड हैं, उसके नाले हैं, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ये राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में जो ऑनगोइंग स्कीम है जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं उसके लिए 3,389.292 करोड़ का ये BCF से निकासी हुई है, का स्वीकृति दिया है जिसके बारे में मैंने कहा। जल संसाधन विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को जो स्कीम है उसके अंतर्गत 234.77 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति दी है जिसके बारे में मैंने कहा। ऊर्जा विभाग को 484 करोड़ की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है BCF ने जिसके बारे में मैंने कहा। स्वास्थ्य विभाग को 706.94 करोड़ ये अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है, ये भी उसी का पार्ट है। पथ निर्माण विभाग को 9,24,13,00,000 रुपये 924 करोड़ 13,00,000 रुपये अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। तो ये
आपदा प्रबंधन विभाग को 130 करोड़ जो अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न सुखाड़ के परिप्रेक्ष्य में जो विशेष सहायता दी जा रही है उसके अंतर्गत 130 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई है। और वित्त विभाग को राज्य शिक्षा वित्त निगम जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाता है उसको 200 करोड़ की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। तो ये हैं थे आपके जो BCF जो बिहार कंटिजेंसी फंड से निकासी है और जिसकी कुल राशि 3,474,99,20,000 रुपये है। इसका मैंने ब्रेकअप दिया है, मेरे ख्याल से सबको ये डिटेल बहुत स्पष्ट होगा। जल संसाधन विभाग एक DPR निर्माण के लिए स्वीकृति दी है 6,19,50,000 का। बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना सिरनिया फुइया बागमती बाएं तटबंध के अंतिम छोर पर नए तटबंध निर्माण के लिए गणितीय मॉडल अध्ययन आयोजन निमित्त परामर्श। तो ये मॉडलिंग के लिए 6,19,50,000 प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए प्रथम चरण में 1-1 अदद बड़ी अग्निशामन वाहन, जो बड़ा आपका अग्निशामन वाहन है, 77 अदर वाटर टेंडर, 19 टन का जो बड़ा ट्रक होता है टाइप बी वाटर टेंडर 5,000 लीटर का फुली फैब्रिकेटेड 46,20,00,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। तो 77 थानों में नए हमारे वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फायर फाइटिंग गाड़ियाँ रखी जाएंगी। पथ निर्माण विभाग ने 3 ROB का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है। ये 220,11,19,000 की है और स्थल आपको मैं बता देता हूँ, स्थल का डिटेल है, तीनों स्थल का। पहला है पूर्वी चंपारण में है, ये जीवधारा और बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशनों के बीच का है। दूसरा है सारण में है, ये खैरा पटेडी रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है। दरभंगा है लहरिया सराय दरभंगा रेलवे स्टेशनों के बीच है। तो 3 ROB हैं जो स्वीकृति दिए गए हैं। श्रम संसाधन विभाग को ये जो बॉयलर आपको याद होगा, जो बॉयलर का लाइसेंस निर्गत होता था तो बॉयलर इंस्पेक्शन होता था, बॉयलर का इंस्पेक्शन के में विलंब होता था और बॉयलर इंस्पेक्टर जाते थे बॉयलर का इंस्पेक्शन कर देते हैं। अब ये जो नियम है बॉयलर अधिनियम 1923 में, अब इस इंस्पेक्शन को हटा के सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है, मतलब स्वतः सर्टिफिकेशन करने का है कि आप स्वतः सर्टिफाई करिए कि बॉयलर ठीक है और मापदंड के अनुरूप होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लिए है कि आप बॉयलर का इंस्पेक्शन की जो प्रक्रिया है उसका संशोधन करते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी है। नगर विकास विभाग को स्मार्ट सिटी जो बिहार शरीफ है उसका एस्टिमेट 1,517 करोड़ से रिवाइज करके 9,780,50,000 कर दिया गया है। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है और ये कारण है कि क्योंकि जो कंपोनेंट्स में PPP मॉडल थे और अन्य पब्लिक कंट्रीब्यूशन था उसको हटा के जो बाकी राशि है वो 9,780,50,000 है। तो इसकी स्वीकृति दी है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी 1 करोड़, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में भी 1,580 करोड़ को घटा के 982,50,00,000 का एस्टिमेट कर दिया गया है। इसी प्रकार 2 एथेनॉल यूनिट ग्रेन बेस्ड एथेनॉल यूनिट की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। पहला है मोतीपुर में मेसर्स मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मोतीपुर जो शुगर मिल की ज़मीन थी उस पर ये 100 किलोलीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी है और 141,31,30,000 इसमें निवेश होगा। तो एक पहला वाला ये एथेनॉल बेस्ड यूनिट है और दूसरा जो है ये है वो है वेस्ट वेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये स्वीकृति दी है वेस्ट वेल बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड। ये भी ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है, ये क्षमता विस्तार है, ये सोनासती पूर्व में था इसका नाम जो यूनिट है और इसका क्षमता विस्तार हुआ है और 30.27 करोड़ का इसमें ग्रेन बेस्ड एथेनॉल डिस्टिलरी का सैंक्शन हुआ है।
तो दो एथनॉल यूनिट का सैंक्शन मंत्रिपरिषद ने दिया है। इसके अतिरिक्त जो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने, आपको याद होगा सभी जो पीडीएस दुकानें में हैं आजकल पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनल लगे हुए हैं, जिसमें कितना गेहूँ सेल किया जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन उसमें तोल की जो समस्याएं हैं, मतलब कि कम तोला जाए, मतलब अगर कम घट तोल जो है, जो कम तोलने वाली स्थिति है, उसको नियंत्रण या उसकी उसकी जांच और उस पर निगरानी रखने के लिए अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल हो गया है, मतलब कि ऑनलाइन हो गया है, जो तोल की मशीन है वो ऑनलाइन होगी, तो जो पीडीएस दुकानदार है वो कम तोल ही नहीं सकता है, अगर कम तोलने की कोशिश करेगा तो ऑनलाइन वो माप जो तोल है तोल का डेटा आएगा, तो ऑनलाइन व्यवस्था है। और इसका अधिष्ठापन है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इन दोनों का एकीकरण कोऑर्डिनेशन होगा और इस पर 110 करोड़ 54 लाख 20 हज़ार रुपये इसमें व्यय होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है प्रक्रिया में पीडीएस में, जो पॉइंट ऑफ स्केल और जो मशीन है जो तोलती है दोनों का एकीकरण कर दिया जाएगा और ऑनलाइन इसमें जानकारी प्राप्त होगी कहीं कम तोला जाता है नहीं। जो खेल विश्वविद्यालय है राजगीर में, आपको जानकारी होगी कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है, इसमें 31 पदों का सृजन किया गया। अब मैं पद सृजन के क्रम में आऊँगा, पद सृजन, तो 31 पदों का सृजन हुआ है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत अभियंत्रण संवर्ग में 4 नए पदों का सृजन हुआ है, तो ये 4 नए पद अभियंत्रण जो कनीय अभियंताओं का है, ये मत्स्य एवं संसाधन मत्स्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में स्वीकृत हुआ है। बिहार खनन एवं भू तत्व सेवा नियमावली 2008 में संशोधन किया गया है, इसके अंतर्गत जो खाली पद हैं, जो हमारे सहायक निदेशक हैं, उप निदेशक है, अपर निदेशक हैं, इनके खाली पद हैं और प्रोन्नति से इसको भरे नहीं जा सकते हैं, तो एक संशोधन एक वक्त का किया है, वन टाइम एक्सेम्पशन किया है कि इसकी सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति होगी। तो ये पदों को भरने के लिए ये वन टाइम एग्जम्पशन किया गया है बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली 2008। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और शेषा अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग, इसके पाठ्यक्रम चालू होंगे और इसमें 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का स्वीकृति दी है। तो ये 3 कोर्स हैं, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगूसराय जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग शुरू होगा, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी में एरोनॉटिकल और शेषा अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग। तो 3 बारह शैक्षणिक पद हैं और उसके कुल 36 शैक्षणिक पदों के सृजन स्वीकृति है। हाँ 12 है, 12 × 3 मतलब 3 जगह है, तो प्रत्येक में 12 होंगे, जिसमें प्राध्यापक 1 है, सह प्राध्यापक 3 है और सहायक प्राध्यापक 8 है, तो हर डिपार्टमेंट में 12 होंगे, तो 3 हो गए तो 36 पदों के का सृजन हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी एवं राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और विभिन्न कोटि के लिए खुद 14 शैक्षणिक पद, प्रत्येक संस्था में 1 विभाग अध्यक्ष और 6 व्याख्याता के पद सृजन की स्वीकृति दी है। तो पॉलिटेक्निक में भी आपके बरौनी एवं मुंगेर में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पर कोर्स चालू किए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचालित व्रत किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 14 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का, जिसे प्रत्येक संस्था में 7 व्याख्याता के पद सृजन होंगे, तो 7 करके 2 संस्था में 14 पद स्वीकृत हुए हैं। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना विकास विभाग पटना के अंतर्गत कुल 235 पदों को राज्य के 235 प्रखंड में 1-1 पद सृजित किए गए हैं और शेष 299 प्रखंडों के लिए 1-1 पद, कुल 299 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति है। तो ये एक पद सृजन का प्रस्ताव है, ये योजना एवं विकास विभाग में जो अर्थ एवं सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिकल विंग है राज्य सरकार का, उसमें ये पद सृजन है। विधि विभाग के भी पद सृजन किए गए हैं,
ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 37 न्याय मंडलों में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना हेतु 37 ऑफिसर इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट्स कम कोऑर्डिनेटर सहित कुल 74 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 11 जनवरी 2022 में पारित आदेश के आलोक में ये पद स्वीकृत किए गए। राज्य के 11 अस्पतालों में स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 44 ओटी असिस्टेंट के पद स्वीकृत किए गए। ओटी ऑपरेशन थिएटर जो असिस्टेंट होंगे, शैल्य कक्ष सहायक जिसको कहते हैं, तो 44 सृजन किए गए हैं। बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त अन्य विशेष न्यायालय के हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 8 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये 8 पद अलग से स्वीकृत किए गए हैं। तो ये हमारे जो पद सृजन का के प्रस्ताव थे जो मैंने पढ़ दिए हैं। अब कुछ सेवा नियमावली में जो संशोधन है वो मैं पढ़ूंगा। बिहार अभ्यंतरण सेवा संवर्ग नियमावली भर्ती 2019, इसमें जो इंजीनियरिंग की जो भर्ती होती थी आपको याद होगा, इसमें अधिमानता हम लोग संविदा में जो कार्यरत इंजीनियर्स हैं उसको देते हैं। तो ये बिहार अभ्यंतरण सेवा वर्ग 2 के भर्ती नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है। इसमें संविदा जो कार्यरत होंगे उनको प्रत्येक वर्ष का जो कार्य का अनुभव है समकक्ष पद, जैसा अगर जेई का एई के पद पर नियुक्ति होगी तो अगर एई के पद पे वो कार्य कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में तो इलेक्ट्रिक में, सिविल में तो सिविल में, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में, तो प्रत्येक वर्ष के एक्सपीरियंस का 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। मतलब हर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में 5 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 साल वो काम किया है तो 25 अंक उसको दिए जाएंगे, और 75 अंक जो है आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे। तो कुल 100 अंक जो परीक्षा में होंगे, जिसमें 75 परीक्षा के माध्यम से होंगे और 25 अंक है जो एक्सपीरियंस के आधार पर जो संविदा पे जो कार्यरत है उनके लिए होगा। ये एक निर्णय सेवा नियम में संशोधन है। बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2022, इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है उसको 21 से घटाकर 18 किया गया है, क्योंकि इसका जो अर्हता है, जो ये शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है, इसलिए मिनिमम एज को घटा के 18 कर दिया गया है। बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2022। परिवार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये जो हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, इसमें जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के शुल्क निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन हैं, फीस हैं, आपके एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी है, एक्सटेंशन ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस है, ट्रांसफरमेंट ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस है, सो सबके दर निर्धारित किए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये सभी उद्योग और जो बिल्डिंग और अन्य एनवायरमेंट क्लियरेंस लेते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक और निर्णय है, ये वित्त विभाग से संबंधित है और ये हमारे भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्युपरांत जिन सैनिक एवं असैनिक सेवा हेतु दोहरा पेंशन अनुमान्य है। तो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्युपरांत होता है कि जो आश्रित होते हैं उनको पेंशन मिलता है, तो जब पेंशन मिलता है तो सरकारी नौकरी में भी आते हैं तो उनको दोहरा पेंशन मिलता है। तो जो फौज में के मतलब आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से जो पेंशन मिलता है और सरकारी सरकार का राज्य सरकार का पेंशन मिलता है, दो पेंशन उनको मिलते हैं। तो एक अधिसूचना निर्गत की गई थी कि दो पेंशन लागू किया जाए और दोनों पेंशन मिलेगा उनको, लेकिन एक उसमें एक कंडिका छूट गई थी कि उस आदेश के पहले वाले केस में भी भारत सरकार ने लागू किया है। तो वो जोड़ा गया है कि उस आदेश, ये आदेश था 2/11/16 का आदेश था, तो उससे पहले वाले भी 3/11/16 का था, तो उससे पहले वाले जो लोग भी हैं जो हमारे भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं उनको भी यह सुविधा दी जाएगी। तो ये एक संशोधन नियमावली में किया गया था। पहले तो ये नियम था ही कि दोनों पेंशन मिलेगा, लेकिन उस आदेश की तिथि के बाद केवल इतना ही संशोधन किया गया है कि उस आदेश की तिथि के पूर्व के भी मामलों में यह सुविधा दी जाएगी। बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन यह संशोधित कर दिया गया है और विभिन्न सुविधाओं में यह
जो वेतन है, क्षेत्रीय भत्ता है, मोटर गाड़ी किराए ऋण हेतु सुविधा है, स्टेशनरी है, निजी सहायक हेतु भत्ता है, यात्रा भत्ता है, दैनिक भत्ता है, रेल विमान यात्रा, तो सभी भत्ते इनके, आवास भत्ता है, पेंशन है और पूर्व सदस्य का कूपन है, सारे भत्ते इनके परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है हमारे विधानमंडल के सदस्य और भूतपूर्व विधानमंडल के सदस्य के लिए। ये आपको विभाग से मिलेगा, ये मैं पीआरडी को दे दूंगा। और हमारे जो सचिवालय में जो हमारे कैटेगरी फोर के 14 लेवल पेस्ट बैंड के, उनको घरेलू सहायता भत्ता मिलता था, उसको भी संशोधित करके 3,000 रुपये को बढ़ा के जो न्यूनतम मजदूरी का जो दर है 11,190 वह परिवर्तित कर गया है। तो ये एक सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, सचिव और सचिव से ऊपर वाले स्तर पर, उनके लिए हैं। उनको एक घरेलू असिस्टेंस मिलता था, पहले 3,000 रुपये था 2008 में, उसको बढ़ा के अब न्यूनतम मजदूरी पर उसको फिक्स कर दिया है जो सहायक। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में यह सिविल विमानन निदेशालय है, ये हमारे जो जो सिविल एयरक्राफ्ट जहाँ पे हमारे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज राज्य सरकार के संचालित होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने एक पद से ये कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली का निर्णय लिया है। ये निदेशक संचालन से मुख्य विमान चालक जो चीफ पायलट और निदेशक संचालन है, और इनकी न्यूनतम जो प्रारंभिक न्यूनतम जो अलाउंसेस हैं वो 5,50,000 है। जो इसलिए जो पायलट्स हैं, हम लोग पायलट बहाल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, एक ही पद है अभी, चीफ पायलट और मुख्य निदेशक संचालन। इनको 2,50,000 रुपये है इनका प्रतिमा वेतन है, 2,75,000 रुपये 2,50,000 वेतन है, 2,75,000 विशेष भत्ता है और 2,500 प्रति घंटा इनका विशेष उड़ान भत्ता है। तो 5,50,000 प्रति माह इनका टोटल अमाउंट है, और पूरे देश में है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश में जितने जो दर है पायलट, वर्किंग पायलट है, ये कोई रिटायर्ड पायलट नहीं होंगे, ये कार्यरत पायलट होंगे जो हमारे सरकारी विमान का संचालन करेंगे। और डॉक्टर्स का सस्पेंशन है, डिसमिसल है, तो मैं सब एक साथ पढ़ देता हूँ। डॉक्टर कामोज झा, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गोपालगंज। डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद यादव, चिकित्सा पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर। डॉक्टर गौतम शरीम प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल अररिया। डॉक्टर निर्मल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरगंज। तो 4 डॉक्टर को डिसमिस किया गया है जो कार्य में अनुपस्थित थे। तो आज के यही एजेंडा है, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।